हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा आप सबों के समक्ष एक बार मैं फिर उपस्थित हुआ हूं करंट अफेयर्स के रुक्मिणी प्रकाशन के पुस्तक के ऑब्जेक्टिव्स के सेट नंबर 11 के प्रश्नों के साथ। और सेट नंबर 11 के 20 प्रश्नों पर हम आपके समक्ष डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कि मैं प्रश्नों पर चर्चा शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि 18 दिसंबर को एनटीपीसी परीक्षा के पूरे का पूरा शेड्यूल आपको रेलवे भर्ती बोर्ड्स के साइट्स पर देखने को मिलेंगे और 28 दिसंबर से हर हाल में एनटीपीसी की परीक्षा आपकी शुरू हो जाएगी। इसलिए आपको अपनी तैयारी में किसी भी प्रकार का लचर प्रदर्शन नहीं करना है, आपको एकदम अपनी तैयारी के प्रति आश्वस्त रहना है और अपनी तैयारी को अग्रसर रखते हुए और उसे मजबूत करना होगा, क्योंकि 28 दिसंबर से परीक्षा आपकी हर हाल में होने जा रही है और इस परीक्षा में करंट अफेयर्स की अहम भूमिका है। और इसी अहम भूमिका को देखते हुए हम आपकी सेवा में यह करंट अफेयर्स के डिस्कशन को लेकर हाजिर होते हैं। तो आज सेट नंबर 11 के प्रश्नों पर चर्चा शुरू करते हैं। और आज के सेट नंबर 11 का हमारा पहला प्रश्न है आपके सामने कि किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसमें FIH के बारे में याद रखिएगा कि FIH का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ हॉकी इंटरनेशनल, इसका पूरा नाम होता है। और इसी संस्था के द्वारा विभिन्न श्रेणियों में कई पुरस्कारों की घोषणा की जाती है और इसी पुरस्कारों की श्रेणी में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को, इसी पुरस्कारों की श्रेणी में मनप्रीत सिंह को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है 2020 का। और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। ये वर्तमान में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी हैं। ठीक है, और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले क्या है, प्रथम भारतीय हैं। और याद रखिएगा कि मनप्रीत सिंह को यह पुरस्कार दिया गया। उसके अलावा विवेक प्रसाद जो आपको दिख रहे हैं, ये पुरुष राइजिंग स्टार का पुरस्कार इनको दिया गया। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया, पुरुष राइजिंग स्टार का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि महिलाओं की श्रेणी में विमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार एवा डी गोस्डे को दिया गया। वुमेन्स यानी महिला प्लेयर ऑफ द ईयर एवा डी गोस्डे को दिया गया। ये नीदरलैंड की रहने वाली हैं। कहां की रहने वाली हैं, नीदरलैंड की हॉकी खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दो की तरफ। और क्वेश्चन नंबर दो है हमारा, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइट किसकी आत्मकथा है। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर ये एक पुस्तक है और ये एक व्यक्ति की आत्मकथा है। और ये है एनके सिंह के द्वारा स्वयं उस पुस्तक को लिखा गया है और यह इनके जीवन की घटनाओं पर आधारित है, यानी इनकी आत्मकथा है। बात करें एनके सिंह की, तो ये अध्यक्ष हैं 15वें वित्त आयोग के। किसके, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन, एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा इनके बारे में एक चीज और याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको कि 2016 में इनको जापान के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार द ऑर्डर्स ऑफ राइजिंग सन से भी नवाजा गया था। जापान के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार द ऑर्डर्स ऑफ राइजिंग सन, ये जापान का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है जो इनको 2016 में दिया गया था। अन्य विकल्पों की बात कर लें तो रघुराम राजन रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, 23वें गवर्नर थे ये रिजर्व बैंक के। और इनकी पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है, आई डू वाट
आई डू व्हाट आई डू क्या है इनकी पुस्तक का नाम है। और नटवर सिंह इनकी पुस्तक, इनके द्वारा भी लिखी गई एक पुस्तक है जो काफी प्रचलित है, थोड़ी पुरानी जरूर है लेकिन कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, तो आपको फिर से यह पूछे जाने की प्रबल संभावना है, इसलिए याद रखिएगा। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है वन लाइफ इज नॉट एनफ। ये किनकी पुस्तक है? नटवर सिंह की पुस्तक है वन लाइफ इज नॉट एनफ। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 15 अक्टूबर 2020 को टीआरपी को कितने हफ्ते तक ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च ने रोक लगा दिया है? ठीक है, आपने देखा होगा पिछले महीने आपका रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत आरटीवी जिसको कहते हैं, या रिपब्लिक टीवी जो अर्णव गोस्वामी के चैनल का टीवी चैनल है, अर्णव गोस्वामी उसके मालिक हैं, और इस टीवी चैनल के पर मुंबई पुलिस ने क्या किया, टीआरपी में खरीद फरोख्त का या टीआरपी में धांधली का आरोप लगाया कि यह टीआरपी में छेड़छाड़ करती है। ठीक है, और इसी आरोप के बाद टीआरपी पर एक बड़ी जांच मुहिम छिड़ी, जिसमें कि आपको महाराष्ट्र के 2 टीवी चैनल, एक आपका फक्त मराठी और दूसरा बॉक्स सिनेमा, कौन कौन सा? फक्त मराठी और बॉक्स सिनेमा, इन 2 टीवी चैनल के मालिकों को क्या कर लिया गया, टीआरपी के गोरख धंधे में लिप्त पाते हुए मुंबई पुलिस ने कहा कि इन पर आरोप लगाया कि ये टीआरपी के खरीद फरोख्त में शामिल हैं, और इसलिए इन दोनों को क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया मुंबई पुलिस के द्वारा, इन दोनों टीवी चैनलों के मालिकों को, फक्त टीवी और बॉक्स सिनेमा। तो इसी टीआरपी के खरीद फरोख्त की आशंका होने के कारण मुंबई पुलिस ने क्या किया, इस पर जांच शुरू किया, और इससे संबंधित आपका टीआरपी जारी करने वाली संस्था जो है उसने कितने सप्ताह तक, क्या कह रहा है कि कितने हफ्ते तक ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च पर रोक लगा दिया, यानी टीआरपी जारी नहीं की जाएगी, तो याद रखिएगा अगले 12 सप्ताह तक। कितने सप्ताह तक? 15 अक्टूबर से 12 सप्ताह तक, यानी लगभग 3 महीने के आसपास टीआरपी जारी नहीं की जाएगी। टीआरपी क्या होता है? तो टीआरपी होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, और इसी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट के आधार पर लोग यह दिखाते हैं या यह आकलन लगाया जाता है कि किस टीवी चैनल की लोकप्रियता पब्लिक के बीच अधिक है या कम है, यानी टीआरपी के आधार पर किसी भी टीवी चैनल के लोकप्रियता का आकलन किया जा सकता है। तो टीआरपी कब तक अब जारी नहीं किया जाएगा, कितने सप्ताह? 12 सप्ताह तक इस पर रोक लगा दिया गया है। ठीक है, चलिए, यानी नवंबर दिसंबर और मिड जनवरी तक यह जारी नहीं की जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, और इनके द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। इनका नाम है उर्जित पटेल। क्या नाम है? उर्जित पटेल आरबीआई के 24वें गवर्नर थे। क्या में गवर्नर थे? 24वें गवर्नर थे। इन्हीं के द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक। ठीक है, शक्तिकांत दास ये आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है, यानी 25वें गवर्नर है। ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं, जो वर्तमान में भी आरबीआई के गवर्नर हैं। कौन? शक्तिकांत दास। रघुराम राजन ये आरबीआई के 23वें गवर्नर थे। क्या गवर्नर थे? 23वें। अश्विनी भाटिया के बारे में याद रखिएगा कि ये एसबीआई के प्रबंध निदेशक बने हैं, एसबीआई के प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी बने हैं हाल ही में। और एसबीआई के जो चेयरमैन है या एसबीआई के अध्यक्ष कह सकते हैं, वो दिनेश कुमार खारा हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सितंबर 2020 में एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? ठीक है, तो सितंबर 2020 में एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन
राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया, जिसमें 2020-21 की पहली तिमाही यानी 2020-21 वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल से जून तक का हुआ। कितने, कब से कब तक का हुआ? अप्रैल से जून, ये 2020-21 के सत्र की पहली तिमाही हुई, वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल से जून हुआ। और इस अप्रैल से जून के दौरान भारत की जीडीपी का आकलन एनएसओ ने यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन ने बतलाया कि इसमें 23.9% की कमी आई है। कितने की? 23.98% की कमी आई है, यानी भारत की जीडीपी इस तिमाही में कितनी थी लगभग, तो आपका 23.98% थी। ठीक है, अब एनएसओ के बारे में याद रखिएगा कि एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में है। अब आप एक नाम सुने होंगे सीएसओ, सीएसओ ये है आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है और यही आपका राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े जारी करती है। कौन? सीएसओ। अब एक और नाम आपने सुना होगा आईएसओ, आईएसओ इंडियन स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कंफ्यूजन होता है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, आईएसओ का मुख्यालय कोलकाता में है। ठीक है, तो एनएसओ और सीएसओ का मुख्यालय कहां? दिल्ली में, और आईएसओ का मुख्यालय कोलकाता में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 6, कौन सा राज्य स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरियों की 100% सीटों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ठीक है, तो कई राज्यों ने इससे पहले 60%, 70%, कोई 50% आरक्षण राज्यों के लिए लागू किया था, यानी स्थानीय नीति को लागू किया था, यानी उस राज्य से बाहर के लोग उस राज्य में नौकरी नहीं ले सकते हैं। ऐसे कानून को ही हम स्थानीय कानून कहते हैं। तो उसमें भी रिजर्वेशन का एक कोटा, एक लिमिट निर्धारित किया जाता है, जिसमें कि आंध्र प्रदेश जैसे राज्य ने 75% लिमिट निर्धारित किया है कि 75% स्थानीय लोग ही नौकरी में रहेंगे, नौकरी पाएंगे राज्य सरकार में, और 25% बाहर के लोग इसमें 25% लोगों को नौकरी दी जा सकती है। लेकिन यहां 100% की बात करें तो 100% स्थानीय लोगों को नौकरी देने वाला, यानी राज्य के ही लोगों को नौकरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। कौन सा राज्य बना है? मध्य प्रदेश बना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इस कानून को लाया गया था। किसके द्वारा? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। अब बात करिएगा अन्य राज्यों की, तो हरियाणा में 70%, हरियाणा में 70% राज्य के ही लोगों को नौकरी दी जाती है और 30% बाहरी लोग हरियाणा में नौकरी पा सकते हैं। ठीक है, अब झारखंड की बात कर लें तो झारखंड में 13 जिलों में, झारखंड के कुल 24 जिलों में से 13 जिलों में स्थानीय नीति लागू की गई थी, यानी इन 13 जिलों में इन्हीं 13 जिलों के लोग नौकरी पा सकते हैं, बाहर के किसी जिले के लोग नौकरी नहीं पा सकते हैं। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने इसे क्या किया? असंवैधानिक करार दिया और कहा कि यह आपका कानून असंवैधानिक है, संविधान के सिद्धांतों को यह कमजोर करता है या उसके विरुद्ध है। इसीलिए असंवैधानिक करार देने के पश्चात झारखंड में कई नियुक्ति प्रक्रियाओं पर भी वर्तमान में रोक लगी हुई है, तो यहां अभी तक स्थानीय नीति लागू नहीं हो सकी है। ठीक है, चलिए, तो 100% सीटों को आरक्षित करने वाला कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 7, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट रीवा सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन बनता है कि एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट कौन है, तो रीवा सोलर प्लांट है। और एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, रीवा सोलर प्लांट कहां स्थित है? तो रीवा मध्य प्रदेश में है। कहां है? मध्य प्रदेश में स्थित है, और मध्य प्रदेश में ही रीवा है, और रीवा के निकट गूढ़ नामक स्थान पर। अगर इससे भी आपको ऑप्शन इधर उधर करे तो याद रखिएगा कहां? गूढ़ नामक स्थान पर यह पावर प्लांट स्थापित किया गया है, और इसमें 250 मेगावाट के कुल 3 क्लस्टर स्थापित किए गए। कितने? 250 मेगावाट के 3 क्लस्टर स्थापित किए गए, यानी इसकी कुल बिजली उत्पादन क्षमता 750
मेगावाट है। कितनी मेगावाट है? 750 मेगावाट है और यह अपने कुल विद्युत उत्पादन का 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को देता है। कितना? 24% बिजली का सप्लाई यह दिल्ली मेट्रो को देता है। और इसके अलावा 76% बिजली यह अपने राज्य में मध्य प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड और अन्य विद्युत कंपनियों की सहायता से राज्य में ही डिस्ट्रीब्यूट करती है, राज्य में ही खर्च करती है। ठीक है, तो ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है, ये आप ध्यान रखेंगे, रीवा में स्थापित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र को 1000 दिन में भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा की है? ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान पर खासा जोर दिया और उसी दौरान उन्होंने कहा कि 2014 से पहले कुछ गांव ही थे जो ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड थे और आज के समय में 1.5 लाख से अधिक गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट किया जा चुका है। और इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी घोषणा किया कि भारत की मुख्य भूमि से अलग जो भारत का हिस्सा है लक्षद्वीप का, भारत की मुख्य भूमि से अलग हिस्सा जो है लक्षद्वीप का, उसे भी भारत की मुख्य भूमि से इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाएगी ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से। और इस ऑप्टिकल फाइबर को जल के पानी के नीचे से होकर के कनेक्ट प्रदान किया जाएगा। भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन जल के नीचे से पानी के नीचे से दिया जाएगा और लक्षद्वीप को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ जोड़ा जा सकेगा। इसके अलावा आपको पता होगा कि बिहार में घर 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 तक फाइबर योजना प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की जा चुकी है। ठीक है, चलिए पढ़िएगा अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। केंद्र सरकार तथा बोडो समुदाय के बीच समझौता हुआ, बोडो समुदाय का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, बोडो समुदाय भारत के असम राज्य में पाया रहता है। कहां रहता है? बोडो असम की एक जनजाति है और असम की राज्य सरकार, भारत की केंद्र सरकार और बोडो जनजाति के बीच जनवरी 2020 में 27 जनवरी 2020 को एक समझौता हुआ। 27 जनवरी 2020 को एक समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार यह निश्चित किया गया कि करीबन 1500 करोड़ रुपए बोडो जनजाति के कल्याण हेतु, बोडो जनजाति के लोगों के, बोडो समुदाय के लोगों के विकास हेतु, उनके कल्याण हेतु खर्च किया जाएगा। और बोडो आंदोलन जो बोडो जनजाति के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा था, उसमें मरे प्रत्येक बोडो व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति के घर वालों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, और असम में ही अन्य क्षेत्र के बजाय असम में ही उनको एक निश्चित हिस्सा प्रदान किया जाएगा जो असम राज्य के ही अंतर्गत होगा, जिसमें कि कुल 7 जिले शामिल होंगे जो बोडो क्षेत्र कहलाएंगे। ठीक है, तो ये बोडो समझौता हुआ केंद्र सरकार, असम की सरकार और बोडो समुदाय के बीच। केंद्र सरकार, असम की सरकार और बोडो समुदाय के बीच। ठीक है, तो ये बोडो जनजाति कहां की है? असम की जनजाति है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम हॉप मार्स मिशन है? हॉप मार्स मिशन रखा गया है, तो ये हॉप मार्स मिशन लॉन्च करने वाला संयुक्त अरब अमीरात है। कौन है? संयुक्त अरब अमीरात है, यानी यूएई है। और ऐसा करने वाला यानी मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश है ये। कौन सा देश है? पहला अरब देश है।
इससे पहले किसी भी अरब देश ने मंगल मिशन लॉन्च नहीं किया था। इसके अलावा याद रखिएगा कि इसी वर्ष चीन ने भी तियानवेन फर्स्ट के नाम से मंगल मिशन लॉन्च किया। मंगल मिशन क्या किया? लॉन्च किया। अब ये याद रख लीजिएगा, आपको हमने एक अलग से ये बता दिया मंगल मिशन से संबंधित। तो पहला अरब देश संयुक्त अरब अमीरात बना जिसने क्या किया, हॉप नामक मार्स मिशन लॉन्च किया। अब याद रखिएगा कि ये फरवरी 2021 तक मंगल ग्रह पर पहुंचने की संभावना कब तक है? 2021 फरवरी महीने तक, फरवरी 2021 तक इसके पहुंचने की संभावना है, ठीक है। और इसके बारे में याद रख लीजिएगा आप एक चीज कि संयुक्त अरब अमीरात के हॉप मार्स मिशन को जापान के तागेन सीमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च किया गया? तो जापान के तागेन सीना स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया। यह आपको पूछा जा सकता है क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात से नहीं बल्कि इसे जापान के तागेन सीना स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए किसे फॉर एवरी चाइल्ड अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है? पिछले कई पुस्तकों के डिस्कशन के दौरान हमने बार बार आयुष्मान खुराना जहां भी विकल्प में मिला है हमने आपको बतलाया था कि फॉर एवरी चाइल्ड, यूनेस्को के द्वारा फॉर एवरी चाइल्ड अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसको? अभिनेता आयुष्मान खुराना को। और इसके अलावा आयुष्मान खुराना बजाज आलियांज के भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। बजाज आलियांज के भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। कौन? आपके आयुष्मान खुराना। अब याद रखिएगा अक्षय कुमार और इलियाना डिक्रूजा, अभिनेत्री हैं इलियाना डिक्रूजा, ये एफएफसीजी ग्रुप केविन ग्रुप केयर के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अक्षय कुमार और इलियाना डिक्रूजा एफएफसीजी केविन ग्रुप केयर के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा अक्षय कुमार के बारे में एक चीज और याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा ये सड़क सुरक्षा सप्ताह के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। अमिताभ बच्चन IDFC फर्स्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं और परेश रावल को हाल ही में NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? कोरोना महामारी के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ अपने परिवार की और अपने समाज की जिम्मेदारी लेना एक अच्छा परम कर्तव्य माना गया, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी संकट के समय में हमारी खुद की रक्षा करने की तो बनती ही है, साथ ही साथ हम अपने परिवार की भी रक्षा कर सकें, उनके प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसी को लेकर के महाराष्ट्र राज्य के द्वारा, किस राज्य के द्वारा? महाराष्ट्र राज्य के द्वारा मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी नामक अभियान की शुरुआत की गई। बिहार में याद रखिएगा कि बिहार में आपका कोरोना रोकथाम से संबंधित आपके लिए एक संजीवन ऐप लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये बिहार में संजीवन ऐप और भारत सरकार के द्वारा भी एक ऐप जारी किया गया था, आरोग्य सेतु। तो कई प्रयास कोरोना महामारी से बचने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए हमारे बीच देखे गए एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में, जिससे कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रत्येक लोगों को भी इसके प्रति जागरूक कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस महामारी से, इस संकट से बचा सकें, उसके लिए हमें अपनी जिम्मेदारी तय करनी होती है, ठीक है। तो ये मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा
किया गया। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना आपने सुना होगा और प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की ही तर्ज पर मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई और इस योजना के तहत प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के प्रत्येक लाभार्थी को प्रति वर्ष चार हजार रुपए प्रति वर्ष की आर्थिक मदद की जाएगी। किसके द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। प्रत्येक व्यक्ति मतलब कहां के नागरिक को, बिहार के लोगों को भी, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी, तो नहीं, केवल मध्य प्रदेश के सम्मान निधि किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी को प्रतिवर्ष कितने की, 4,000 रुपए की राशि दो किस्तों में प्रदान की जाएगी, यानी प्रति 6 महीने पर 2,000 रुपए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किसानों को दी जाएगी, वैसे किसानों को जो किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। और इस योजना के लाभार्थी होने के बाद ऐसा नहीं है कि उनको प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि उनको प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के साथ साथ इस योजना का लाभ मिलेगा, यानी मध्य प्रदेश का प्रत्येक किसान प्रतिवर्ष 6,000 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से और 4,000 आपके 4,000 रुपए आपके मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से इनको दी जाएगी, यानी कुल मिलाकर के 10,000 रुपए इनको प्रतिवर्ष क्या होंगे, सहायता के रूप में सरकार के द्वारा दिया जाएगा। दिल्ली की हालिया योजना के बारे में बात कर लें तो दिल्ली के द्वारा मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना का शुरुआत किया गया था और मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना का मकसद था कि कोरोना महामारी के दौरान प्रत्येक लोगों को उसके घर तक राशन पहुंचाया जाए ताकि वह कोरोना महामारी के दौरान घर से बाहर ना निकलें और वे अपने घरों में रह सकें, सुरक्षित रह सकें। ठीक है, अन्य विकल्पों की बात कर लेते हैं तो हमारे पास अन्य विकल्प के रूप में हिमाचल प्रदेश है और गुजरात है, तो गुजरात के मुख्यमंत्री के बारे में याद रखिएगा विजय रूपाणी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आपके जयराम ठाकुर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कैरेबियाई प्रीमियर लीग 2020 का प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया है। कैरेबियाई प्रीमियर लीग आईपीएल की तर्ज पर विश्व के अलग अलग देशों में लोकल वहां की स्थानीय प्रीमियर लीग वहां भी आयोजित किए जाते हैं, तो वेस्टइंडीज में भी एक प्रीमियर लीग क्रिकेट की आयोजित की जाती है जिसको हम सीपीएल यानी कैरेबियन प्रीमियर लीग कहते हैं और कैरेबियन प्रीमियर लीग की शुरुआत 2013 से ही हुई है। कब से हुई है, 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2013 की शुरुआत के साथ 2020 तक इसका लगातार प्रतिवर्ष संस्करण आयोजित होता आ रहा है और इसमें चौथी बार त्रिनिबागो नाइट राइडर्स जो कि शाहरुख खान की टीम है वहां भी टीम है, तो आईपीएल की तरह वहां भी भारतीय लोग ही कई सारे टीमों को खरीदे हुए हैं, तो यहां जो विजेता रहा 2020 का विजेता जो रहा याद रखिएगा कौन, त्रिनिबागो नाइट राइडर्स। और नाइट राइडर्स इंडिया में कौन सी टीम है नाइट राइडर्स करके, तो कोलकाता नाइट राइडर्स, और कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान है, तो यहां भी त्रिनिबागो नाइट राइडर्स के मालिक कौन है, शाहरुख खान है। और त्रिनिबागो नाइट राइडर्स ने ही इस वर्ष का फाइनल जीता और उसने इसके लिए सेंट लुसिया जॉक्स को हराया और सेंट लुसिया जॉक्स प्रीति जिंटा की टीम है, यानी उसकी मालकिन कौन है, प्रीति जिंटा है। ठीक है, तो प्रीति जिंटा की टीम को हरा करके त्रिनिबागो नाइट राइडर्स ने सीपीएल 2020 का खिताब जीता और इस फाइनल मैच के दौरान किरण पोलार्ड जो वेस्टइंडीज के ही क्रिकेटर हैं उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस किया और पूरे सीरीज के दौरान इनके बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया और फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार लिंडल सिमंस को दिया गया, ये भी वेस्टइंडीज के ही खिलाड़ी हैं, प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किसको दिया गया, लिंडल सिमंस को दिया गया। और याद रखिएगा कि त्रिनिबागो नाइट राइडर्स ने सीपीएल 2020 में कुल 12 मैच खेले और सारे के सारे मैच
ये जीतते ही चले गए, किसी भी मैच में इसे हार का सामना नहीं करना पड़ा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में ब्राउन बंधुओं ने संन्यास ले लिया, ब्राउन बंधुओं का संबंध किस खेल से है? तो अमेरिका के दो भाई थे, अमेरिका के दो भाई खिलाड़ी दो भाई थे, बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन। कौन कौन नाम याद रखिएगा? माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन। माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन, इन दोनों के ये दोनों आपके टेनिस खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से संबंधित है। और इन दोनों के द्वारा हाल ही में संन्यास ले लिया गया, दोनों भाई ने एक साथ साथ संन्यास लिया। ये कहां के टेनिस खिलाड़ी थे? तो अमेरिका के थे। कहां के थे? तो अमेरिका के थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था? तो 27 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 2020 में इस वर्ष की थीम थी पर्यटन और ग्रामीण विकास, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। 27 सितंबर 2020 को मनाए गए विश्व पर्यटन दिवस की थीम थी। शेपिंग पीस टुगेदर आपको एक विकल्प दिख रहा है, शेपिंग पीस टुगेदर ये 21 सितंबर को मनाए गए विश्व शांति दिवस की थीम है। किसकी? 21 सितंबर को जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व शांति दिवस, तो 2020 के विश्व शांति दिवस की थीम क्या है? शेपिंग पीस टुगेदर। ठीक है, पर्यटन और ग्रामीण विकास 27 सितंबर को मनाया गया विश्व पर्यटन दिवस की थीम है। क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में किस महाद्वीप को WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया है? तो याद रखिएगा कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वैसे देश जहां की पिछले 4 वर्षों में कोई पोलियो का केस नहीं मिला है, वैसे देशों को ही पोलियो मुक्त घोषित करते हैं। तो ऐसे ही महाद्वीप में आपका अफ्रीका का एकमात्र देश नाइजीरिया जो पोलियो से ग्रसित था, यहां 2016 में जब सर्वे करवाया गया तो उसमें यहां पोलियो का एक भी मामला देखने को नहीं मिला। और जब पोलियो का एक भी मामला यहां देखने को नहीं मिला तो 2016 से 2020 यानी पिछले 4 वर्षों में यहां कोई पोलियो का रिकॉर्ड नहीं मिला, और 4 वर्षों तक नहीं मिला, 2016 में नहीं मिला था, तत्पश्चात 4 वर्ष पूरा हो गया, इसलिए नाइजीरिया जो अफ्रीका महादेश का एक देश था यहां पोलियो मुक्त हुआ। और यह पोलियो मुक्त होने के कारण अफ्रीका के पहले सभी देश पोलियो मुक्त ऑलरेडी थे, इसलिए अफ्रीका महादेश को WHO ने क्या किया? पोलियो मुक्त घोषित किया है। ठीक है, अब विश्व में केवल 2 देश ही पोलियो से ग्रसित रह गए। विश्व में अब केवल 2 देश ही पोलियो से ग्रसित रह गए, और दोनों ऐसे देश हैं जिसमें से कि भारत का एक कट्टर शत्रु है, यानी आप समझ गए होंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये दोनों अब भी पोलियो से ग्रसित हैं, यानी ये अभी तक पोलियो मुक्त नहीं हो पाए हैं। पूरी दुनिया बदल जाए लेकिन ये नहीं बदलेंगे, ये इनका संकल्प है, कसम खाए हुए हैं, या जो कह लीजिए मूर्खता है या जो भी है। चलिए, तो अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है हाल ही में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान अब भी पोलियो से ग्रसित हैं। क्वेश्चन नंबर 18। GMAX 20 द्विपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ? GMAX यानी J फॉर जापान, I फॉर इंडिया, M फॉर मिलिट्री, E X फॉर एक्सरसाइज। अब 20 मतलब 2020। तो GMAX 2020 आयोजित हुआ, जैसा हमने इसका फुल फॉर्म आपको बताया, जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज। तो जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच? जापान और भारत के बीच आयोजित हुआ, और जापान और भारत के बीच GMAX का यह 4th संस्करण था। क्या संस्करण था? 4th संस्करण था, यानी इस युद्धाभ्यास के दौरान भारत और जापान 4थी बार आमने सामने हुए अभ्यास के दौरान, और इसका आयोजन उत्तरी अरब सागर में हुआ। आयोजन कहां हुआ? उत्तरी अरब सागर में हुआ।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आम बजट 2020-21 का विषय क्या था? आम बजट 2020-21 का विषय क्या था? तो जैसा कि आप जानते हैं, आम बजट और रेल बजट अब दोनों एक हो गया है, और 1 फरवरी 2020 को आम बजट 2020-21 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया, और इस आम बजट 2020-21 का विषय था जीवन को सरल बनाना। क्या था विषय? जीवन को सरल बनाना था। और इस दौरान इस बजट को प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्तुत करते हुए सबसे अधिक लंबा भाषण देने का भी रिकॉर्ड अपने नाम किया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा राज्य स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य करने वाला प्रथम राज्य है? प्रस्तावना के बारे में आप जानते होंगे, यह भारतीय संविधान का एक अहम अंग है, ठीक है। भले ही इसको लेकर के कई बार विवाद हुए, कई बार इसे अंग नहीं माना गया, कई मामलों में इसे संविधान का अंग माना गया है। तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग माना जाता है, और प्रस्तावना भारतीय संविधान के प्रारंभ में ही आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको भारतीय संविधान के उद्देश्यों का पता चल पाता है। भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है, उसके सार का भी पता चलता है, यानी संविधान के लक्ष्यों का भी आकलन हम कर सकते हैं प्रस्तावना के आधार पर, जो कि हम भारत के लोग से शुरू होती है। और प्रस्तावना को पढ़ने वाला, यानी स्कूलों में जब बच्चे जाते हैं तो स्कूली प्रक्रिया शुरू होने से ठीक पहले प्रार्थना, और कई स्कूलों में प्रस्तावना पढ़े जाते हैं, लेकिन इसकी अनिवार्यता कहीं नहीं थी। तो अनिवार्यता करने वाला, इसको अनिवार्य करने वाला कौन सा राज्य है? तो भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। कौन बना है? भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है, जिसने कि स्कूलों में प्रस्तावना को पढ़ना क्या किया है, अनिवार्य कर दिया गया है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। और भारत की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक स्वतंत्र, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एवं उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता उपलब्ध कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर एतद् द्वारा अपने संविधान को अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यही भारत की क्या है? प्रस्तावना है। और इतनी ही बातें बच्चों को स्कूल की प्रक्रिया जो होती है, पढ़ाई की प्रक्रिया शुरू होने से ठीक पहले पढ़ा जाना अनिवार्य कर दिया गया है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो सेट नंबर 11 के ये 20 प्रश्न थे जिस पर कि हमने आज आपके समक्ष डिस्कशन किया। पुनः सेट नंबर 12 के करंट अफेयर्स के डिस्कशन में हम आपके समक्ष कल पुनः मिलेंगे, इसी वादे विश्वास और उम्मीद के साथ। आज मैं नीतीश चंद्र आपसे विदा लेना चाहूंगा, कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे। जय हिंद, शुभ रात्रि।